तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को चाइनीज ड्रामा पर बेस्ड वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो हिंदी में अवेलेबल है और आप जिसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और आप इसे कैसे और कहां देख पाएंगे या जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। यह एक हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा पर बेस्ड वेब सीरीज है। वैसे तो कहने के लिए सीजन 2 है पर इसका अपने पिछले सीजन से कोई कनेक्शन नहीं है। आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इस वेब सीरीज की बेसिक स्टोरी की बात करें तो ये कहानी है यू वी की, जो चांगान फैमिली से है, जिसके जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, अपने गुरु यानसी को खोजना। और अपने गुरु को खोजने के दौरान उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। अगर आप फैंटेसी ड्रामा पर बेस्ड कोई चाइनीज वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। यह वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें कुल 48 एपिसोड्स हैं, जिसे आप देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। यह एक ड्रामा फैंटेसी और रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है। यह कहानी फॉलो करती है यिंग नैन की, जो एक दिन अचानक से आसमान से गिरती है, लेकिन यिंकी के द्वारा बचा ली जाती है। अब यिंकी उसे अपने घर ले जाता है। अब यिंग नैन उस फैमिली में उसका हिस्सा बनकर रहने लगती है। पर यिंग नैन अपने 18वें जन्मदिन पर किसी तरह जंगल में पहुंच जाती है, जहां उस पर डीमंस का हमला हो जाता है, पर एक मिस्टीरियस आदमी के द्वारा वो बचा ली जाती है। अब इसके बाद यिंग नैन उस मिस्टीरियस आदमी के तलाश में लग जाती है, पर उसे यह नहीं पता कि यह खोज उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। यह वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है और इसमें टोटल 48 एपिसोड्स हैं और आप इसे जरूर देख सकते हैं। फैंटेसी रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है, जो कहानी है एक अमर देवता की, जिसे एक मॉर्टल महिला से प्यार हो जाता है और वह देवता उस महिला के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली है, बावजूद इसके वह बार बार उसका दिल जीतने में असमर्थ रहता है। पर जब वह एक राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म लेती है तो शायद इस बार उसके भाग्य को उनका मिलना मंजूर था। पर यह मिलना कितने समय का होगा और क्या वे साथ रह पाएंगे और इसके लिए उन्हें किन बुरी से बुरी शक्तियों का सामना करना होगा, यह वेब सीरीज हमें यही दिखाती है। यह फैंटेसी ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज, जिसमें कुल 30 एपिसोड्स हैं, इसे आप एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देख सकते हैं। एक पीरियड ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है, जो कहानी है एक राजकुमारी की, जिसे बचपन की एक दुर्घटना के कारण लंबे समय से आइसोमनिया है, यानी नींद न आने की बीमारी है, और वह पूरी तरह से अपने भाई पर डिपेंडेंट है। कुछ गलत परिस्थितियों के कारण उसे जुआओ से शादी करनी पड़ती है, जो एक बहुत ही अच्छा सेनापति है। इधर जुआओ के भाई की मृत्यु हो गई है, जो सबों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब इसके बाद दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में लग जाते हैं और इसी दौरान वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब इस लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है और इसके कारण वे किन मुसीबतों में फंसते जाते हैं, इस वेब सीरीज में यही दिखाया गया है। ड्रामा रोमांस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है, जिसमें कुल 36 एपिसोड्स हैं, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, जो आपको बहुत पसंद आएगी। यह 2021 में आई एक ड्रामा रोमांस और एक्शन पर बेस्ड वेब सीरीज है, जो 2011 में आई एक कॉमिक्स मनहुआ पर आधारित है। इस वेब सीरीज की कहानी एक राजकुमारी की, जिसे अपने फैमिली के लिए रिवेंज लेना है, और इसी दौरान वह किस्मत से एक हैंडसम ट्राइबल प्रिंस से मिलती है और दोनों के किस्मत एक साथ जुड़ जाते हैं। यह पीरियड ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज आपको हर मायने में पसंद आएगी। यह वेब सीरीज आपको प्यार के कई पहलू समझाती है और इसे आजकल व्यूअर्स के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। आप अभी इसे एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। इसमें टोटल 49 एपिसोड्स हैं। आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। यह एक चाइनीज हिस्टोरिकल कॉमेडी ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। अगर थोड़ी इसकी कहानी की बात करें, जो फॉलो करती है साओ चुन के कैरेक्टर को, जिसके पिता सहित पूरे परिवार को मिंग डायनेस्टी के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और यह वेब सीरीज साओ चुन के उसी का बदला लेने की कहानी है, और इस बदले के दौरान उसे प्यार होता है, उसकी शादी होती है, और क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं साओ चुन की लाइफ में, यही इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया गया है। अगर आप यह वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसे एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें टोटल 35 एपिसोड्स हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 की है। यह एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है, जो कहानी फॉलो करती है टॉम राइडर्स वेजी और उसके दोस्त पैंगजी और जैंकी के बेहद ही रोचक एडवेंचर की। तीनों एक लंबे रेस्ट के बाद एक नए और मिस्टीरियस जर्नी पर निकलते हैं, जब वेजी को उसके लापता अंकल का एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है। अब तीनों एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जिसमें उन्हें हर मोड़ पर अनचाहे खतरों का सामना करना है। यह एक थ्रिलिंग और ह्यूमर से भरपूर एक रोमांचक वेब सीरीज है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें लगभग 40 मिनट के टोटल 32 एपिसोड्स हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 की है। यह एक हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। वैसे तो इसकी कहानी में बहुत कुछ है बताने को, पर अगर इसकी कहानी को शॉर्ट में बताऊं तो 3000 साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी दुनिया के सर्वनाश की, और दुनिया को बचाने के लिए एक टॉयस्ट ग्रैंड मास्टर का जन्म होगा। अब आम लोगों को बचाने के लिए कुछ गिफ्टेड लोगों को, जिनके पास सुपर पावर्स हैं, उन्हें एक सैक्रेट शील्ड की तलाश करनी है और दुनिया के सर्वनाश को रोकना है। यह एक अच्छी वेब सीरीज है, जिसमें आपको वायलेंस, ड्रामा, एक्शन और एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, और यह आपको जरूर पसंद आएगी। इस वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें लगभग 46 मिनट के टोटल 46 एपिसोड्स हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 की है।
यह एक ड्रामा रोमांस सीरीज है जिसकी कहानी रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच घूमती है। जिसकी कहानी बेसिकली फॉलो करती है वेवे के कैरेक्टर को, जो एक ऑनलाइन गेम डेवलपर बनना चाहती है और खुद भी एक स्किल्ड गेमर है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ऑनलाइन हस्बैंड के द्वारा उसे डंप कर दिया जाता है। इसके बाद इस गेम के नंबर वन प्लेयर के द्वारा वेवे को अप्रोच किया जाता है। अब इन दोनों के रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, यह इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया गया है। यह एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट वाली बहुत ही शानदार वेब सीरीज है, जिसे मैंने सच में बहुत एंजॉय किया। इस लाइट हार्टेड रोमांटिक वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 की है। अगर आप एक ऐसी ड्रामा रोमांस सीरीज देखना चाह रहे हैं जिसमें एक पावरफुल फीमेल लीड हो और जिसकी कहानी में कैरेक्टर्स और रिलेशनशिप की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से की गई हो, तो आपको ये वेब सीरीज जरूर पसंद आएगी। अब अगर बात करें सीरीज के प्लॉट की, जो सेट है जोसियन डायनेस्टी में, जब जुड़वा बच्चों का जन्म अशुभ माना जाता था और उसी दौरान क्राउन प्रिंस की वाइफ जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिसके बाद उन जुड़वा बच्चों में से जो बेटी थी उसको मार देने का फरमान सुनाया जाता है। पर उसकी माँ के रिक्वेस्ट और बेगिंग के बाद उसे छुपाकर महल से दूर भेज दिया जाता है। पर कुछ वर्षों के बाद वो मेड बनकर उस महल में आ जाती है। अब ऐसा क्या होने वाला है जो दामी की को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? अगर आप कोई ड्रामा रोमांस सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट और मिस्ट्रीज भी देखने को मिले, तो आप इस सीरीज से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, आपको ये निराश नहीं करेगी। ये एक चाइनीज फैंटेसी रोमांस एडवेंचर ड्रामा सीरीज है, जिसे हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। अब अगर बात करें इस वेब सीरीज के बेसिक प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है क्विनली के कैरेक्टर को, जिसके पास थंडरिंग वाली सुपर पावर है और एक दिन अचानक से उसके गांव में हत्याएं होने लगती हैं और ना चाहते हुए भी क्विनली इस कॉन्स्पिरेसी या साजिश का शिकार हो जाता है। अब यहीं से इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और वो अपने बचपन के प्यार योशी और दोस्तों के साथ मिलकर एक एडवेंचरस जर्नी पर हायर पावर की खोज में निकल पड़ता है। यह एक अच्छी स्टोरी लाइन वाली फैंटेसी सीरीज है। बाकी अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप एक ऐसी वेब सीरीज देखना चाह रहे हैं जिसमें भर भर के इमोशंस हो, जिसे देखकर आप रो पड़े, प्यार में पड़ जाएं, या जिसके हर एपिसोड में आपको क्लिफहैंगर वाले मोमेंट्स देखने को मिले, तो ये वेब सीरीज आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। और इसे माई ड्रामा लिस्ट ने 8.4 की रेटिंग दी है। जो कहानी फॉलो करती है नॉर्दर्न लियांग की प्रिंसेस, जिसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और प्रिंसेस को इसका बदला लेना है। और ये वेब सीरीज उसी के बदले की कहानी को दिखाती है और जिसके बीच आपको बहुत सारे एडवेंचरस मोमेंट, लव, इमोशंस और भी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और आप इस वेब सीरीज को जरूर ही एंजॉय करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल कॉमेडी रोमांस स्कूल लाइफ ड्रामा सीरीज है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है लुकुई ची की, जो बचपन में अपने घर को छोड़कर अपने एक पालतू बंदर के साथ माउंटेन में या पहाड़ों में चला जाता है, जहां वो एक गुरुकुल टाइप के स्कूल के अंदर जाता है। पर जब वो बाहर निकलता है तो उसके पालतू बंदर की किसी ने हत्या कर दी होती है और इसके बाद वो वहां से घुसाकर चला जाता है। फिर वह एक दिन उसी स्कूल की स्टूडेंट वेंजेन रुआन से मिलता है, तो वह उसी के साथ फिर से उसी माउंटेन वाले स्कूल में अपनी पहचान बदलकर दाखिला या एडमिशन ले लेता है, ताकि वो खुद के साथ हुए साजिश का पता लगा सके। अब क्या वो इस काम में सफल पाएगा? और भी बहुत सारे ट्विस्ट और मिस्ट्रीज हैं इसकी कहानी में, जो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें बेहतरीन एक्शन और एक प्यारा सा रोमांस भी देखने को मिलेगा, जिसे एक ट्राई देना तो बनता है। और इसे माय ड्रामा लिस्ट ने 8.2 की रेटिंग दी है। एक एडवेंचर फैंटेसी और रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है, जो कहानी है लिन डोंग की, जो अपने पावर को डिस्कवर करने और अपने लैंड में शांति बहाल करने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पर निकलता है। आगे बढ़ते हुए इस जर्नी में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसी जर्नी में वो कुछ दोस्त भी बनाता है। अब वो और उसके दोस्त यीमो डिमंस को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे उसके लैंड में शांति बहाल होगी। अब क्या लिन डोंग इस काम में सफल हो पाएगा? ओवरऑल अगर कहा जाए तो यह एक अच्छी वेब सीरीज है, जिसमें एक अच्छा ड्रामा, सस्पेंस और एडवेंचर देखने को मिलता है। पर इस वेब सीरीज को थोड़ा छोटा जरूर किया जा सकता था। अगर आपके पास पेशेंस और टाइम है तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं, जो एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है और इसमें टोटल 60 एपिसोड्स हैं। यह एक एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी पर बेस्ड वेब सीरीज है, जो 1967 में आई एक नॉवेल पर बेस्ड है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के कहानी की, जो दोस्ती, प्यार, धोखा और पावर के लालच के बारे में है। इस वेब सीरीज की कहानी फॉलो करती है एक लड़के को, जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखता है और एक शक्तिशाली स्वॉर्डमैन या तलवारबाज बनने की जर्नी शुरू करता है। और इसी जर्नी में उसे दोस्ती, प्यार, धोखा और ना जाने कितने सारी चीजों से आमना सामना करना पड़ता है। यह एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें कुल 37 एपिसोड्स हैं। अगर आपको इस तरह की वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। यह एक एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी और रोमांस पर बेस्ट वेब सीरीज है। अगर इसके बेसिक प्लॉट की बात करें तो यह वेब सीरीज कहानी फॉलो करती है चुनहुआ को, जो एक फ्यूचर की लड़की है और फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ह्यूमन अमर हो सकते हैं। चुनहुआ अपने इमॉर्टेलिटी या अमरत्व को छोड़कर एक फैंटेसी वाली दुनिया में आती है, जहां वो पहली बार एक सच्चे प्यार का एहसास पाना चाहती है और वो यहां आकर दो प्यार करने वालों के बीच फंस जाती है। अब इन दोनों प्यार करने वालों में से चुनहुआ किसे अपनाएगी या इस लव ट्रायंगल का क्या अंजाम होगा, यह तो आपको वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। अगर आप यह वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो यह एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है और इसमें टोटल 25 एपिसोड्स हैं। यह एक ड्रामा, रोमांस और मिस्ट्री पर बेस्ड वेब सीरीज है। अगर इस वेब सीरीज के बेसिक प्लॉट की बात करें तो यह कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो अपनी बड़ी बहन की रेप और हत्या की साजिश का पता लगाने के लिए यांगसी पैलेस यानी कि राजा के महल में एक दासी बनकर आ जाती है और इस रहस्य का पता लगाने में जुट जाती है। और इस रहस्य को सुलझाने के दौरान उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसे देखना सच में बहुत ही रोमांचक और एंटरटेनिंग होता है। जैसा कि इसमें टोटल 70 एपिसोड्स हैं, तो शायद ये आपको बीच बीच में बोर भी कर सकती है। ओवरऑल यह एक अच्छी वेब सीरीज है। अगर आपको लंबे चलने वाली वेब सीरीज से कोई परेशानी नहीं, तो आप इसे एक बार तो जरूर देख सकते हैं, जो एमएक्स प्लेयर
प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप एक मार्शल आर्ट्स पर बेस्ट फैंटेसी रोमांस सीरीज देखना चाह रहे हैं जिसमें एक इंगेजिंग स्टोरी लाइन, शानदार सिनेमेटोग्राफी, सीजीआई, कैरेक्टर्स के बीच इलेक्ट्रिफाइंग केमिस्ट्री और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस हो, तो आप इस नए आए बेहतरीन चाइनीज ड्रामा को मिस नहीं करना चाहेंगे। और जो कहानी फॉलो करती है दो ऐसे मार्शल आर्टिस्ट की जो दुनिया का भ्रमण करते हैं और उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जो दुनिया को रहने के लिए एक बेटर प्लेस बनाने के लिए इसे कॉन्कर करना चाहते हैं। अगर आपने इस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को देख लिया है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह कॉमेडी फैंटेसी रोमांस सीरीज है जिसमें आपको 40 से 45 मिनट के राउंड के टोटल 63 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। आपको सुनने में यह काफी लंबी सीरीज लग रही होगी, पर मेरी बात मानिए, जब आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आप चाहेंगे कि यह कभी खत्म ही ना हो। मैं बस ये हवा में नहीं बोल रहा, ये सच में एक ऐसी सीरीज है जिसमें सब कुछ परफेक्ट है और मैं चाहता हूं कि आप इस वेब सीरीज को बिना इसके प्लॉट को जाने बिना देखना शुरू करें। ये मेरी गारंटी, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। या आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह एक एक्शन एडवेंचर और ड्रामा पर बेस्ड वेब सीरीज है। अगर इस वेब सीरीज के बेसिक प्लॉट की बात करें तो यह कहानी फॉलो करती है दो कैरेक्टर्स को, वे यूजियान और लैन वांग जी को। वे कल्टीवेशन के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा कि वे मैजिकल क्लैन से हैं तो उन दोनों के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं और इसी दौरान वे गलती से कई वर्षों से छिपे हुए एक रहस्य की खोज करते हैं और इसके पीछे के मिस्ट्रीज को सुलझाने में लग जाते हैं। और इस दौरान उन दोनों के साथ जो कुछ भी घटित होता है, यही इस वेब सीरीज की बेसिक स्टोरी है। इस वेब सीरीज का प्लॉट, इसकी स्टोरी लाइन और इसका स्क्रीन प्ले बेहद ही कमाल के हैं। शुरुआत के कुछ एपिसोड के बाद ही आप इसकी कहानी में खो जाते हैं, पर जैसा कि एक अच्छी खासी लंबी वेब सीरीज है जिसमें टोटल 50 एपिसोड्स हैं, तो इसे देखने के लिए आपके पास पेशेंस तो जरूरी होना चाहिए, पर आप इसे देखकर निराश तो बिल्कुल नहीं होंगे। यह एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप जरूरी देख सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इनमें से कौन कौन सी वेब सीरीज देख ली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।